हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक लॉन्ग कार्डिगन जो कि फुल स्लीव है। ठीक है, तो इसका फुल ट्यूटोरियल देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे एक एक करके अपलोड होंगे। तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन जो भी है, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मैं इस स्वेटर के बारे में बता दूं। तो आज पार्ट नंबर 1 में मैंने सिर्फ बैक पार्ट ही आपको बता रखा है कि किस तरह से बनाया है, और इसमें जो पैटर्न दिया है उसका भी मैंने इसमें दे दिया है। ठीक है, पैटर्न कैसे बनाया है, कितने फंदे दिए हैं, कितने फंदों का ये पैटर्न है, और आर्म होल की कटिंग की कैसे की है, और इसका जो मेजरमेंट है, इसकी जो लंबाई है, वो इसमें पूरी डिटेल इसमें दी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें मैंने 700 ग्राम ऊल मंगाई है। वैसे मैंने 800 ग्राम मंगाई है, क्योंकि कभी कभी कम हो जाती है और सेड नहीं मिलता है, तो उस वजह से मैंने 100 ग्राम एक्स्ट्रा मंगाई है। लेकिन 6+7 के आसपास, 650 या 7 के आसपास इसमें लग जाएगी। ठीक है, मतलब 650 ग्राम या 700, 650 से 700 ग्राम स्वेटर में ये ऊन लगनी है। और मैंने ये 800 ग्राम मंगा रखी है, क्योंकि कभी कभी होता है ऊन कम पड़ जाती है और हमको सेट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऊन बता दी मैंने आपको, और ये देखिए वर्धमान की ब्लू वेल की ऊन है, और इसको मैंने पूरा बना रखा है 10 नंबर के नीडल से। ठीक है, 10 नंबर के नीडल से मैंने इसमें बना रखा है। 700 ग्राम ऊन मैंने ली है, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, 100 ग्राम मैंने एक्स्ट्रा ली है। ठीक है, तो 700 ग्राम तो आप ले ही लीजिए अगर आपको इस तरह से लॉन्ग कार्डिगन बनानी है। तो थोड़ा सा कम हो जाता है, आजकल जब हम इस तरह के ऊल मंगाते हैं तो 100 ग्राम से कम तो मिलती नहीं है। ठीक है, तो हमको प्लस करना ही पड़ता है उसमें। तो ये तो हो गई ऊल और ये बात, और इसका जो साइज है वो बता देती हूँ, ये एक्सेल है, एक्सेल साइज के लिए ये बन रहा है। और इसके बाद आप आगे को देखिए, उसका भी मैंने समझा रखा है, छोटे साइज वाले और बड़े साइज वालों को कितने फंदे लेने। तो चलिए बैक पार्ट को बनाना शुरू करते हैं। 114 फंदे ले लिए हैं, 114 फंदे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड रो बना लेंगे हम ऐसे ही। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड रो हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। इस तरह से पर्ल में बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सीधी रो है, इसे भी पर्ल में बनाएंगे और उल्टी रो भी पर्ल में ही बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट साइड में। ठीक है, तो देखिए दो रो बना लिए हमने, दो रो कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड रो में हमारा पैटर्न हम बैठाएंगे। ठीक है, तो पैटर्न आपने देख लिया क्या है, पैटर्न मैंने बता दिया आपको। अब पैटर्न बैठाएंगे हम, कितने फंदे हैं इसमें, 114, 114 फंदे। तो शुरू में हम एक ऐसी ले लेंगे और 1, 2, 3 तीन फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, 4 फंदे बना लिए, धागा आगे करके एक जाली दे देंगे। ठीक है, धागा आगे करेंगे, फिर 4 बना लेंगे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पैटर्न, 1, 2, 3 तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2, 3, 4 धागा आगे करके एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करके 4 बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 दो पैटर्न आ गए हमारे। फिर हम तीन फंदे उल्टे करेंगे, 1, 2, 3 तीन फंदे उल्टे करने के बाद 1, 2, 3, 4 चार फंदे सीधे कर लिए, धागा आगे करके एक जाली देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, 1, 2, 3, 4 ठीक है,
चार पैटर्न बन गए। फिर धागा आगे करके तीन उल्टे कर लेंगे, एक दो तीन, तीन उल्टे करने के बाद चार सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे एक जाली दे देंगे, धागा आगे एक दो तीन चार, कितने पैटर्न हो गए हमारे, एक एक दो तीन चार पैटर्न हो गए। ठीक है, चार पैटर्न हो गए, धागा आगे करेंगे, तीन फंदे उल्टे कर लिए हमने, धागा पीछे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे करने के बाद एक जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करके चार सीधे, एक दो तीन चार। ठीक है, ये पांच पैटर्न कंप्लीट हो गए, एक दो तीन उल्टे कर लिए और चार सीधे कर लेंगे, एक दो तीन चार, चार सीधे कर लिए, जाली दे देंगे एक, फिर वापस जाली दे करके गिन लेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, छह पैटर्न कंप्लीट हो गए, एक दो तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन चार सीधे, धागा आगे एक जाली, धागा आगे चार, एक दो तीन चार, सात पैटर्न पूरे हो गए, एक दो तीन उल्टे, धागा पीछे, चार सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे करके एक जाली दे देंगे, फिर धागा आगे करके चार बना लेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, ये आठ पैटर्न कंप्लीट हो गए हमारे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा आगे करके एक जाली, फिर धागा आगे करके चार सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार। ठीक है, ये हमारे लास्ट में, यहाँ पे हमारे चार फंदे थे, यहाँ तीन फंदे रह रहे, तो एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तीन उल्टे और लास्ट वाला भी उल्टा, चार 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 किनारों में है और बाकी तीन उल्टे बीच में है। और देख लिया आपने पैटर्न कैसे बनाना है, बैक साइड में देखे जो उल्टे थे उनको हम सीधे बना लेंगे, जो बीच में तीन तीन उल्टे थे उनको सीधे बना लेंगे, बाकी सारे उल्टे बनेंगे। ठीक है, जैसे एक दो तीन चार, ये जाली थी, ये एक वैसा था, एक जाली थी, चार सीधे थे, एक दो तीन चार, ये हमारे उल्टे बन गए जो सीधी तरफ सीधे थे, और ये देखे सीधी तरफ उल्टे हैं, ये बन जाएंगे सीधे, एक दो तीन। ठीक है, ये नौ पैटर्न आए हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें पैटर्न बैठाने के बाद मैंने देखा कि कितने फंदे लेने हैं, 113 फंदे लेकर के जैसे मैंने पैटर्न बैठाया था वैसे ही पैटर्न आप बैठा लीजिए, 113 फंदे देने हैं, और इसको मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पैटर्न बनाना सीख लेते हैं। तो इसका पैटर्न है बटरफ्लाई वाला पैटर्न है इसका, और ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये सिर्फ 9 फंदों का है। ठीक है, 9 फंदों का है, प्लस आपको इसके साथ उल्टे कितने करने हैं, यहाँ पे मैंने तीन फंदे किए, 12 फंदों का ये मेरा पैटर्न हो गया है। ठीक है, अगर आपको दो उल्टे करने हैं बीच में, ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेनी है, ज्यादा जगह यहाँ पे नहीं लेनी है, दो हैं, दो करने हैं, तो आपका 11 फंदों का आ जाएगा पैटर्न। ठीक है, और अगर आपको चार लेना है तो 13 फंदों का आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तीन ले रखे हैं उल्टे, जो कि बैक साइड से सीधे आते हैं, तो यहाँ पे मेरे 12 फंदों का पैटर्न हो गया है। तो यहाँ पे एज ए स्टिच हम एक फंदा लेते हैं और उसके बाद तीन फंदे और ये 9 फंदे। ठीक है, ये 12 फंदे हो गए, ये तीन फंदे और ये 9 फंदे, 12 फंदे, तीन फंदे और 9 फंदे, 12। इस तरह से 12 12 के मल्टीपल में लेंगे हम, और ये देखिए लास्ट में यहाँ आएंगे तीन फंदे और 9 फंदे, 12 फंदे। तो 12 12 के मल्टीपल में आप फंदे ले लीजिए। अब प्लस करना है आपको यहाँ पे फोर, फोर मतलब
एक तो एज स्टिच आ जाएगा, तीन हमारे जो एक्स्ट्रा जो ऐसे बीच में है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12 12 के मल्टीपल में फंदे लेकर के प्लस करेंगे चार, ठीक है, चार करेंगे, पांच पांच करेंगे क्योंकि एज स्टिच एक यहां भी है एक यहां भी है, ठीक है। 12 12 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और प्लस करने हैं उसमें पांच, तो आपका ये पैटर्न एकदम बैठ जाएगा। 12 फंदों का एक पैटर्न बनेगा। आप पैटर्न के हिसाब से पहले एक पेन लेकर के कॉपी में उसका हिसाब लगा ले, ठीक है। 12 का मल्टीपल कर ले उतनी बार जितने पैटर्न आपको रखने हैं, इसमें 9 पैटर्न है, आपको 8 रखने हैं तो 8 बार मल्टीपल कर लीजिए, आपको 7 रखने हैं तो 7 बार मल्टीपल लिख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितने फंदे हमने रखने हैं। तो चलिए एक मैं बना के आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये पैटर्न बनता है, ठीक है। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो आपको उल्टे कितने रखने हैं, यहाँ पे एज स्टिच एक रख लेंगे हम, इसको हटा देते हैं, एज स्टिच और तीन, एक दो तीन, ठीक है। पैटर्न का पहली रो है, पैटर्न की पहली रो एज स्टिच आ जाएगा, तीन उल्टे आ जाएंगे, धागा पीछे करना है, चार सीधे, एक दो तीन चार, ठीक है। धागा आगे करेंगे, एक जाली दे देंगे, धागा आगे करेंगे, चार फंदे और बना लेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। लास्ट में हमारे चार बचते हैं, एक दो तीन, तीन के बाद रिपीट पैटर्न यही आएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ही बता रही हूँ, आप एक को ही ध्यान से देख लीजिए। तीन उल्टे बनाने के बाद जो जो हमारा पैटर्न आया है वही पैटर्न यहाँ पे तीन उल्टे बनाने के बाद फिर रिपीट पैटर्न यही आएगा, लेकिन मैं एक ही आपको बता रही हूँ तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। बैक रो में जो फ्रंट रो में उल्टे थे वो बैक रो में सीधे आ जाएंगे, तो ये हमने सीधे कर लिए, और जो हमारे पैटर्न वाला हिस्सा था उसके सारे फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, ठीक है। 9 फंदे हमारे 11 हो गए क्योंकि दो जालियां दी है, 9 से 11 फंदे हो गए अब। और ये जो तीन फंदे हमारे उल्टे थे सीधी तरफ वो आ जाएंगे सीधे, ये देखिए, ठीक है। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो, सिक्स रो का पैटर्न है, थर्ड रो आ गया हमारा, फिर हम उल्टा बना लेंगे, तीन, एक दो तीन, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, फिर हम चार सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार सीधा बनाने के बाद ये देखिए इस तरह का आएगा। यहाँ पे हमने पहले जाली दी थी तो तीन बीच में रहेंगे, पहले ही जाली दे देंगे हम, चार के बाद जाली दे देंगे, एक जाली दे दी, दूसरा बना लिया, तीसरा बनाएंगे, धागा आगे करके फिर जाली देंगे और चार बना लेंगे, एक दो तीन और ये चार, ठीक है। धागा आगे करेंगे, तीन फंदे हमारे उल्टे, रिपीट पैटर्न है ये, तीन फंदों के बाद फिर यही रिपीट होगा हमारा, ठीक है। ये एज स्टिच आ जाएगा हमारा लास्ट वाला, ये है थर्ड रो कंप्लीट। अब आ गए हम फोर्थ रो में, फोर्थ रो सीधा आएगा, वो फंदे सीधे आएंगे तीन वाले जो हमारे उल्टे आते हैं फ्रंट साइड में। और अब हो गए, पहले 9 थे फिर 11 हुए, अब 13 फंदे हो गए, ठीक है। चार जालियां बन गई, चार फंदे प्लस कर लेंगे हम, चार फंदे हमारे ज्यादा हो गए, और ये फोर्थ रो है हमारी, ठीक है। फोर्थ रो हमारी कंप्लीट होने वाली है, जो उल्टे थे उनको सीधे बना लेंगे तीन, ठीक है। अब हमारी फिफ्थ रो है, फिफ्थ रो में हम क्या करेंगे, अब फिफ्थ रो आप अच्छे से देख लीजिए, तीन तो हमारे उल्टे बनेंगे, एक एज स्टिच है और तीन वैसे हैं उल्टे हैं, धागा पीछे करेंगे। अब हमारे जो बड़े हुए फंदे थे वो कम होने हमारे, ठीक है। तो क्या करना है, एक दो तीन चार, जिन चारों को हम सीधा बना लेते थे उन चारों को इस तरह से ले लेंगे, ये ले लिया और ये चार का एक कर दिया, तो देखिए चार फंदों का एक कर दिया। धागा आगे करेंगे, ये हमारा लास्ट पैटर्न का लास्ट रो है, फिफ्थ रो, ठीक है, फिफ्थ रो है ये।
चार कफ फंदों का एक कर लिया और धागा आगे कर लिया, ठीक है। उसके बाद सारे बना लेंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बन गए हमारे। फिर हमारी जाली आ गई यहाँ पे, धागा आगे करेंगे और जो हमारे चार हम सीधे बना रहे थे उनको भी चार का एक कर लेंगे। उनको कैसे हमको चार का एक करना है, इस तरह से पहले सारे फंदे ले लेंगे चार के चार और थोड़ा सा इनको ढीला कर लेंगे, ये देखे, और ये चारों को उल्टी साइड से पीछे से चार का एक कर लेंगे, ठीक है। धागा आगे करेंगे और तीन तीन उल्टे, यही रिपीट पैटर्न हमारा आते रहेगा, ठीक है। ये देखिए, एक दो तीन फंदे बढ़ते हैं और चार का एक कर लेते तो तीन फंदे ये कम हो जाते, तीन जालियां दी हैं चार का एक किया, तीन फंदे कम भी हो गए और तीन जालियों से बढ़ भी गए। तो ये हमारा बटरफ्लाई पैटर्न आ गया है और लास्ट रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तीन उल्टे, एक तो एज स्टिच होता है, ये बीच में नहीं आएगा, ये किनारों में ही आएगा, बीच में हमारे तीन आएंगे। आप चाहें तो इनको चार कर सकते हैं, चाहें तो दो कर सकते हैं। और अब हमारे ये शुरू में जितने फंदे थे वही फंदे हमारे आ चुके हैं, नौ फंदे, ठीक है। पहली रो में नौ फंदे होंगे, थर्ड रो में हमारे 11 फंदे हो जाएंगे, फिफ्थ रो में, थर्ड फोर्थ रो में हमारे फिर 11 से 13 फंदे होंगे, फिर जाके हमारे कम हो जाते हैं सारे के सारे, फिर हमारे वापस 9 फंदे आ जाते हैं। ये देखिए, एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है, इस तरह से आएगा, ये देखिए, ये हमारा एक पैटर्न है। ये पैटर्न बार बार आप रिपीट करते जाएंगे तो यही पैटर्न आएगा। और एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, एक पैटर्न कंप्लीट होने के बाद शुरुआत हमको क्या कैसे करनी पड़ती है। एक एज स्टिच हो जाएगा, तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन चार, जैसे कि हमने फर्स्ट रो में किया था, चार फंदे सीधे बनाए थे, धागा एक आगे करके एक जाली दी थी, फिर धागा आगे करके एक दो तीन चार, फिर हमारे तीन उल्टे, फिर यही रिपीट होता जाएगा। तो ये फर्स्ट रो थी, इसके बाद इसी तरह से सेकंड फोर्थ फिफ्थ आती जाएगी और हमारा पैटर्न बनता जाएगा। तो ये दूसरा पैटर्न हमारा यहां से स्टार्ट हो गया। देखिए, इस पैटर्न को कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, दो पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसी तरह से हमारा रिपीट पैटर्न आता जाएगा और जब हम बार बार यही रिपीट करते हुए बनाएंगे तो हमारा पैटर्न इस तरह से आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे इसको बताती हूँ मैं आपको कि आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं। पैटर्न आपने सीख लिया, फंदे मैंने बता दिए किस तरह से इसको एडजस्ट करना है और फंदे बैठाना भी मैंने बता दिया, अब इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो चलिए इसका हम समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले तो साइज इशू जो रहता है उसको हम दूर करेंगे, ठीक है। ये इसका साइज मैं बता देती हूँ, इसमें आपको आगे जो वीडियो देखेंगे आप उसमें फंदे भी आपको पता चल जाएंगे कितने फंदे हैं। तो सबसे पहले ये पैटर्न का जो हिसाब है, इसमें 9 पैटर्न है, ठीक है, और इसका साइज है एक्सएल। एक्सएल में 9 हमारे होंगे, तो अगर हम कम करना चाहेंगे, फंदे कम करने हैं हमको, कम साइज छोटा साइज बनाना है, एल साइज बनाना है, तो इसका एक पैटर्न हम कम कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको मीडियम या स्मॉल बनाना है तो आप दो पैटर्न कम कर लीजिए, ठीक है। आप सिर पे इसमें 7 पैटर्न का बनाइए, स्मॉल और मीडियम, और जो लार्ज वाले हैं वो इसमें 8 पैटर्न दे दीजिए, और जो एक्सेल वाले हैं उनके लिए 9 पैटर्न एकदम करेक्ट होगा। डबल एक्सेल वाले 10 पैटर्न कर लीजिए, ट्रिपल एक्सेल वाले 11 पैटर्न कर लीजिए। इसी तरह से हमारे 11-11 फंदे कम और बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये है फ्रंट पार्ट में भी हमको यही करना है, जो मैं आपको फ्रंट पार्ट का वीडियो लेके आऊंगी उसमें आपको, अगर आपको छोटा बनाना है तो एक एक पैटर्न घटा लीजिए, एक एक पैटर्न का के फंदे हटा लीजिए आप। अगर आपको बड़ा बनाना है तो एक एक पैटर्न हिसाब, उस हिसाब से साइज के हिसाब से एक एक पैटर्न, ठीक है। ये एक्सएल के लिए है, तो अगर आपको मीडियम बनाना है तो आपको दो पैटर्न घटाने होंगे क्योंकि दो साइज छोटा है, ठीक है। क्योंकि ये पैटर्न ही 10-11 फंदों में है, 11 फंदों में है, तो एक पैटर्न आराम से हमारा हट जाएगा और हमारा बन जाएगा, ठीक है।
तो ये रही पैटर्न की बात, और आप वीडियो पूरा देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कौन सी ऊल लगाई है, कितनी ऊल हमने इसमें हमारी लग चुकी है। ठीक है, आप इसके जितने भी पार्ट है उनको पूरा देख लीजिए, तब आपको कार्डिगन का पता चलेगा कि किस तरह से इसको बनाते हैं और कितना इसमें ऊन है और कौन से हमने इसमें नीडल्स लगाए हैं। तो टोटल लंबाई इसकी मैं बता दूं, आर्म होल की कटिंग करने वाले हैं हम, और इसकी टोटल लंबाई 22 इंच है। ठीक है, ये देखिए 22 इंच इसकी टोटल लंबाई है, जो कि काफी अच्छी रहेगी लॉन्ग कार्डिगन के लिए। ठीक है, और इसके बाद हम यहां पे आर्म होल की कटिंग करेंगे और उसके बाद सीधा बनाएंगे लगभग 7.5 से 8.5 इंच। ठीक है, तो चलिए आर्म होल की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई है हमारी, एक साइड पे हमने 4 फंदे कम कर लिए हैं, अब इस साइड पे हम 4 फंदे कम करेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा कम हो गया, 2 का 1 करेंगे, दूसरा फंदा कम हो गया, 2 का 1, तीसरा फंदा कम हो गया, और 2 का 1 चौथा फंदा, 4 फंदे यहां पे भी हमने कम कर दिए। अब क्या है, अब ये पैटर्न भी हमारा फंदे कम करने और बढ़ाने वाला पैटर्न है, तो क्या करना है इसमें, इस तरफ हम पैटर्न नहीं बनाएंगे, पैटर्न हम इस तरफ का बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, इनको सीधा सीधा ही बना लेंगे बीच तक, यहां तक। ठीक है, ये देखिए यहां से हम जाली देंगे धागा आगे करके, बना लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इस साइड का पैटर्न नहीं बनाया हमने, क्योंकि इस साइड अब हमारे 4 फंदे कम हो गए, फिर 3 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम इसको 3 2 1 करेंगे तब तक ये इधर वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसी पैटर्न को चलाते हुए आगे तक जाएंगे, आगे भी हम एक ही साइड का पैटर्न बनाएंगे, इस साइड वाला फर्स्ट वाला 1 2 3 4, धागा आगे करके जाली देंगे और इनको सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट पैटर्न है, इसको एक साइड का बनाएंगे, एक साइड का नहीं बनाएंगे, 4 फंदे बनाएंगे, ये धागा आगे करेंगे और एक जाली देंगे, इधर को हम नहीं बनाएंगे, इनको सीधा सिंपल ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 फंदे यहाँ पे कम हो गए, अब हमको 3 फंदे कम करने हैं, दोनों साइड हमारे 4 4 फंदे कम हो गए हैं, अब हमको 3 फंदे कम करने हैं। तो देखिए 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। ठीक है, ये हमारे 3 फंदे फिर कम हो गए, आगे को हम बनाएंगे वही जो पैटर्न के द्वारा हमने बनाना था, ये देखिए। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड भी हमको 3 फंदे कम करने हैं। ये देखिए दूसरी साइड आ गए हम, 4 फंदे हमने कम किए हैं और इस साइड हमने 4 और 3 कर लिए, तो इस साइड भी हम 3 फंदे कम कर लेते हैं, 2 का 1 एक फंदा, 2 का 1 एक फंदा, 2 का 1 एक फंदा। ठीक है, 3 फंदे ये कम कर लिए हमने, आगे को पैटर्न वही बनाते हुए चलेंगे हम, एक साइड का पैटर्न बनाएंगे, ये देखिए। ठीक है, रो कंप्लीट कर लेते हैं, उस साइड अब दोनों साइड हमारे 4 और 3 दो बार फंदे बंद हो गए, अब हम दो फंदे बंद करेंगे दोनों साइड, 2 इस साइड 2 इस साइड, फिर 1 1। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं रो को। तो ये देखिए 4 3, अब हम 2 फंदे कम करेंगे, एक और ये 2। ठीक है, आगे को हम पैटर्न वही बना लेंगे, रो कंप्लीट करके आते हैं वापस, रो कंप्लीट करके यहां पे आते हैं। ठीक है, यहां पे भी हमने 2 फंदे कम करने, फिर हमारा सिर्फ 1 फंदा रह जाएगा। आगे हम दूसरी साइड में, यहां पे भी हमको 2 फंदे कम करने हैं, 2 का 1
और दो का एक। अब ये यहाँ पे पैटर्न भी खत्म होने वाला है हमारा। एक बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और इन चारों का एक कर लेंगे। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से बना रहे हैं हम। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और एक फंदा अभी आपको और कम करना है, तो यहाँ पे दो ही फंदे रह जाएंगे। तो देखते हैं उन दो फंदों का क्या करना है। तीन फंदे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि एक एक फंदा और कम करना है हमको। तो देखिए, चार तीन दो फंदे और चार तीन दो फंदे दोनों साइड हो गए। अब दोनों साइड हमको एक एक फंदा कम करना है। ठीक है, तो एक साइड, इस साइड हम एक फंदा कम कर लेंगे, दो फंदों का एक कर लेंगे, एक। देखिए अभी तीन ही बच गए हैं इस साइड। इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं, आते हम लास्ट में। तो ये देखिए, यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। इस साइड हमारा चार तीन दो एक कंप्लीट हो गया है आर्म होल की कटिंग। और इस साइड एक फंदा और कम करना है हमको, दो का एक कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे तीन ही फंदे रह रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ही बनाएंगे, सीधा सीधा ही बनाएंगे। सिर पर हम एक जाली दो बनाएंगे, दो एक जाली दे देंगे, या एक बना करके एक जाली करके दो का एक कर देंगे। कब? उस रो में जहां पे हमारा पैटर्न खत्म हो रहा हो, एक दो तीन। ठीक है, तीसरी रो में जब हम चार का एक करते हैं और एक जाली देते हैं, उस वाली रो में हमको यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंदा ऐसे लेंगे, धागा आगे करके दो का एक कर देंगे, जाली दे देंगे। वो क्या होगा, प्लेन, इस तरह से प्लेन ना आकर के एक एक जाली सी आ जाएगी, तो वो भी हमारा पैटर्न जैसा बन जाएगा। तो आपको दिखा दूंगी मैं किस तरह से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आर्म होल की कटिंग करते हुए, पैटर्न बनाते हुए हम आगे को बढ़ते हैं। तो देखिए, आर्म होल की कटिंग हो चुकी है हमारी। ठीक है, ये अब इसको हम बनाएंगे लगभग 7.5 या 8 इंच के आसपास, 8 इंच से ज्यादा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग स्वेटर बन रहा है उसका पार्ट नंबर वन, ठीक है, पार्ट नंबर वन में बैक पार्ट का पूरा कंप्लीट मैंने दिया हुआ है, किस तरह से फंदे दिए हुए हैं, किस तरह से पैटर्न बैठाया हुआ है, और आर्म होल की कटिंग, और इसका मेजरमेंट मैं बता दूं आपको। ये देखिए, काफी लॉन्ग स्वेटर है। तो पार्ट नंबर वन में हम सिर्फ ये बैक पार्ट और इसमें पैटर्न बैठाना और पैटर्न कैसे बनाया है ये हमने दिखाया हुआ है। तो देख लीजिए, फंदे आर्म होल की कटिंग हमने 22 इंच में की है। ठीक है, जब हमारा 22 इंच का स्वेटर हो गया, ये देखिए 22 इंच का स्वेटर जब हो गया, तब हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हमको आर्म होल से ऊपर को देखना है कितना बना लिया हमने। ठीक है, अगर हम यहाँ से, जहाँ से हमने फंदे कम किए हैं, यहाँ से लेने, तो ये 8.5 इंच का हो गया है। लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे हमारे फंदे लास्ट बंद होते हैं, जहाँ पे लास्ट एक बंद होता है, वहाँ से लेते हैं, तो ये 7.5 1 इंच का फर्क आ जाता है। तो देखिए, 7.5 इंच हो गया। तो ये हमारा बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए, तो अब क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में हम पैटर्न बैठाएंगे। अगले पार्ट नंबर टू में फ्रंट पार्ट में पैटर्न बैठाएंगे और उसमें कितने फंदे हैं, कैसे उसको बनाया है, उसके आर्म होल की कटिंग में मैं आपको पार्ट नंबर टू में बताऊंगी। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरह की लॉन्ग स्वेटर बनानी है, तो वहां पे इस स्वेटर का फुल ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, अगले, इसके जो अगले दो फ्रंट पार्ट हैं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।